नमस्कार, स्वागत है आपका ई विद्या चैनल नंबर 11 पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज के इस सेशन में छात्र 11वीं के छात्र समझेंगे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स का सब्जेक्ट रहेगा लॉज ऑफ मोशन, और इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं RIE भोपाल की एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुनीरा बानो। तो सबसे पहले हम अपनी एक्सपर्ट का स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका बहुत बहुत आज के इस कार्यक्रम में। नमस्ते, थैंक यू जी। और मैम पूरे एक घंटे आपके साथ जुड़ी रहेंगी। आप अपने प्रश्न, अपनी जिज्ञासाएं हम तक पोस्ट कर सकते हैं। DTH के साथ साथ आप हमें देख रहे हैं YouTube पर, हमारे ऑफिशियल चैनल NCERT ऑफिशियल पर, जहां चैट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया या अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा टेलीफोन नंबर है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है 8800440559। इस पर भी अपनी प्रतिक्रियाएँ या क्वेरीज आप हम तक पहुँचा सकते हैं। और ईमेल एड्रेस का ऑप्शन भी आपके सामने अवेलेबल है dth.class11cit@cit.nic.in। तो ये सारे मीडियम होंगे, और इन मीडियम्स के थ्रू, इन मीडियम्स के माध्यम से आप अपनी जो क्वेरीज हैं वो हम तक पोस्ट कर सकते हैं। मैम ज़रूर उनका आंसर करने की कोशिश करेंगी। और लॉज ऑफ मोशन के सारे जो आयाम हैं उनको कवर करने का प्रयास रहेगा, ताकि छात्र आज की इस कक्षा में, आज के इस पाठ को ठीक ढंग से समझ सकेंगे। लेकिन आगे बढ़ें और हम प्रश्न पूछना शुरू करें और मैम आपको समझाना शुरू करें। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने दर्शकों के साथ हम शेयर करना चाहेंगे। वी आर प्राउड दैट इंडिया assumed the G20 presidency and will convene the G20 leaders summit for the first time in the country in 2023. A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all. And in doing so, manifest the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam or the world is one family. तो ये थी जानकारी, ये थी इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। और इसके बाद मैम के साथ जुड़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों के साथ, आज के सत्र की। और सबसे पहला प्रश्न इस विषय के इर्द गिर्द मैम जो मेरे मन में, मेरे जहन में आता है वो ये है कि विच इज़ वाई डोंट एक्शन रिएक्शन फोर्सेस कैंसिल ईच अदर। एक दूसरे को क्यों कैंसिल नहीं करती, एक्शन और फोर्सेस की जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं करती? सर, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस का, ये एक्चुअली में हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, क्लास लूंगी यहाँ पर, तो मैं ये चीज क्लियर करूंगी कि एक्शन और रिएक्शन दो फोर्सेस होते हैं जो कि हर बॉडी के ऊपर रखते हैं। तब एक्शन फोर्स एक बॉडी दूसरी बॉडी पे लगाती है, तो रिएक्शन फोर्स दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे लगाती है। तो ये दोनों फोर्सेस क्योंकि अलग अलग बॉडीज पे एक्ट कर, लग रहा है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स, टेक्निकल ग्लिच की वजह से मैम से संपर्क हमारा थोड़ा सा टूट रहा है। लेकिन जैसे ही जुड़ते हैं और हम इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करेंगे। और जो पहला सवाल मैंने पूछा है कि क्यों एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं करती हैं, और आज आप 11वीं के छात्र जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सत्र में बात हो रही है फिजिक्स की, और फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन यानी मोशन, गति की कितने नियम हैं, तो उन सारे नियमों की बात कर रही हैं मैम। और उन नियमों से जुड़े हुए जितने भी एस्पेक्ट हैं, पहलू हैं जो छात्रों के लिए समझना बेहद ज़रूरी है, उसकी चर्चा कर रही हैं। तो एक बार फिर से मैं चाहूँगा मैम से कि मैम जुड़ चुकी हैं और कंटिन्यू करें अपने अपने जवाब और इस टॉपिक के बारे में जानकारी। यस मैम, आप मुझे सुन पा रही हैं? मैम आप क्या आप हमें सुन पा रही हैं? आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। सर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, और मेरी स्क्रीन भी शेयर हो रही है मुझे लग रहा है। जी जी ठीक है, तो सर स्टार्ट करती हूँ मैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का जो हमारा सेशन है, इसमें मैं लॉज ऑफ मोशन डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि चैप्टर है एक 11th क्लास की फिजिक्स का।
लॉज ऑफ मोशन की हम जब बात करते हैं तो ये बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, जो तीन लॉज न्यूटन ने हमें दिए थे। ये तीनों लॉज को पढ़ने के पहले सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमें पता होना चाहिए कि मोशन क्या चीज़ है। तो जब मोशन की बात करते हैं तो मोशन होता है एक्चुअली चेंज इन द पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है, तब हम बोलते हैं कि उस ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा है। अब ये मोशन अलग अलग तरीके से होता है, कभी स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, कभी सर्कुलर मोशन में हो रहा है, कभी रोटेशनल मोशन में हो रहा है, अलग अलग तरीके से मोशन होता है। तो अगर हम मोशन इन द स्ट्रेट लाइन की बात करें तो मतलब है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जिसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो वी हैव एक काइट अगर फ्लाई कर रही है स्पेस में, आसमान में, या फिर एक ट्रेन मूव कर रही है अपने ट्रैक्स पे, तो ये जो हमारे ट्रेन का मूविंग है ये एक रेक्टिलिनियर मोशन है। लेकिन अगर हम अर्थ की बात करें जो रोटेट करता है अपने एक्सिस के ऊपर और रिवोल्यूशन भी करता है साइमल्टेनियसली सन के आसपास, तो यहाँ पर जो मोशन है वो रोटेशनल मोशन हो जाता है। तो मोशन को हम क्या कहेंगे कि जब भी एक ऑब्जेक्ट अपनी जगह को चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स इट इज परफॉर्मिंग सम मोशन। अब मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस की। न्यूटन ने जो हमें कॉन्सेप्ट दिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जब हम देख रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अपना मोशन चेंज कर रहा है तो जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ पर प्लेस्ड है। अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड के ऊपर है और किसी एक फ्रेम में ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तब हम ये बोलते हैं। जी सर, सर मेरी तरफ से फुल स्क्रीन है। सर इधर से फुल स्क्रीन है, आप कहाँ से हुए क्या? ओके व्यूअर्स, आप आज देख रहे हैं फिजिक्स के टॉपिक पर आप चर्चा सुन रहे हैं, और हमारी जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मुनीरा बानो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, थोड़ी देर में हम आपके साथ जुड़ते हैं और जानकारी देते हैं और बेहतर ढंग से जानकारी साझा करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि इस बार क्योंकि एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, पाठ्यक्रम है, थोड़ा सा संशोधन हुआ है, कुछ में बहुत ज़्यादा संशोधन हुआ है, तो बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनकी कक्षाएँ शुरू तो हो गई हैं लेकिन उनके पास पाठ्य पुस्तकें नहीं हैं, क्योंकि नया रूप है, नया सारा रूपरेखा है पाठ्य पुस्तकों की। ऐसे में सभी जगहों पर पाठ्य पुस्तकें नहीं पहुँच पाई हैं, तो छात्रों को मैं बता दूं, अभिभावकों और शिक्षकों को भी इस माध्यम से मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि आपके पास तीन विकल्प उपलब्ध हैं। अगर आप पाठ्य पुस्तकें मंगाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ncert.nic.in पर जाकर के आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ई दीक्षा पाठशाला और साथ ही साथ एनसीईआरटी की वेबसाइट और एप्लीकेशन के थ्रू जो बुक्स हैं उनका पीडीएफ वर्जन यानी सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं और लैपटॉप या मोबाइल टैबलेट के माध्यम से उनको पढ़ सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं और वो आपके लिए पुस्तक का काम करेंगे। साथ ही साथ एनसीईआरटी के जो काउंटर्स हैं, सेल्स काउंटर्स, वो भी देश के अलग अलग कोने में उपलब्ध हैं, जिसमें अहमदाबाद, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता और गुवाहाटी, इन काउंटर्स से भी आप पुस्तकें खरीद सकते हैं। इन काउंटर्स का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे के बीच होता है और हर दिन, चाहे रविवार का दिन हो, इतवार हो या छुट्टी का दिन हो, तो आप इन काउंटर्स पर जाकर ले सकते हैं। और इसकी जानकारी के लिए आप ncert.nic.in पर लॉग ऑन करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, एड्रेस प्राप्त कर सकते हैं। और फिर से हमारी एक्सपर्ट आज की जो एक्सपर्ट हैं हमारी जुड़ चुकी है छात्रों को जानकारी देने के लिए। मैम स्वागत है, और आगे आप प्रोसीड करिए अपना टॉपिक, अपना चैप्टर जो आज आप पढ़ा रही हैं छात्रों को। थैंक यू सर। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ मोशन इन द स्ट्रेट लाइन से।
जी तो जब हम मोशन की बात कर रहे हैं तो मोशन मतलब होता है चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के साथ कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है दैट मींस हम उसे बोलेंगे कि वो मोशन कर रहा है। अब ये जो चेंज इन पोजीशन है ये स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, सर्कुलर मोशन में भी हो सकता है, रोटेशनल मोशन में भी हो सकता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स शो करी हुई है, जैसे कि एक ट्रेन मूव करती है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो हम इसे रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। लेकिन जब अर्थ रोटेशन करता है तो वो अपने एक्सिस पे जब रोटेट करता है तो वो हमारा सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन कहलाता है। अब मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले मैंने बात करी अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज होती है? इट इज एक्चुअली अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। जैसे कि हम यूजुअली पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे अभी तक के पढ़ चुके हैं कि एक्स वाई जेड हमारे तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को मिला के। किसी भी पॉइंट की पोजीशन को अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो आपको उसका एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन और जेड पोजीशन तीनों चीजें बताना पड़ती हैं, तभी जाकर हम एक थ्री डायमेंशन स्पेस में किसी पॉइंट का पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन की, तो हम लॉज ऑफ मोशन को स्टडी करने के लिए किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, हमारा ऑब्जर्वर कहाँ पर है और हमारा सिस्टम कहाँ पर है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है और वो ग्राउंड से किसी एक सिस्टम को देख रहा है कि किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं मोशन में, तब हमारा जो सिस्टम होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाती है। ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक चीज होती है कि जो हमारा ऑब्जर्वर है वो स्टेशनरी पोजीशन पे रहता है, वो मूव नहीं कर रहा होता। और जब वो मूव नहीं कर रहा होता तब वो देखता है कि एक ऑब्जेक्ट एक टाइम पर एक्स वाई जेड पोजीशन पर था और फिर थोड़े टाइम टी के लैप्स होने के बाद उसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए, अब एक्स वन, वाई वन, जेड वन हो गए। तो जब हमारे पास पोजीशन और टाइम दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं तब ये तीनों चीजें पोजीशन एज वेल एज टाइम मिलकर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाती हैं। और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर हमारा ऑब्जर्वर आउटसाइड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगर वो हमारा ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, वो स्टेशनरी है, तब ये हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम कहलाती है। लेकिन अगर हमारा ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ साइमल्टेनियसली मूव कर रहा है, चाहे रेक्टिलिनियर मोशन हो चाहे वो सर्कुलर या रोटेशनल मोशन हो, अगर ऑब्जर्वर भी साथ में मूव करेगा तब जो हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगी। अब ये जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस रहता है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, वो ये होता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर इनर्शियल है तो उसमें सारे न्यूटन के लॉज एप्लीकेबल होते हैं। बट इफ योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नॉन इनर्शियल देन यू कैन नॉट अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ऑन दैट फ्रेम। ये हमारा बेसिक डिफरेंस रहता है। अब इसी चीज को हम जब लॉज ऑफ इनर्शिया, लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम बेसिक चीजों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि बच्चे, क्योंकि 11th क्लास का स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो आपको पता है 9th 10th में आप ऑलरेडी स्केलर्स और वेक्टर के बारे में जानकारी ले चुके हैं। कुछ क्वांटिटीज हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं और कुछ क्वांटिटीज वेक्टर होती हैं। एक स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए जो भी हमारे पास क्वांटिटी है हमारे पास सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड काफी होता है। लेकिन अगर हम एक वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं तो वी शुड नो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एज वेल एज व्हाट इज द डायरेक्शन। बोथ द थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर डिफाइनिंग एनी वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो अब जब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने बोला, तो डिस्टेंस हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसके लिए, जिसमें अगर हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है तो ही हम डिस्टेंस को पूरा डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि एक होम बना हुआ है जो जीरो स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट पर है, उसके बाद एक गार्डन है जिसमें झूला लगा हुआ है 20 मीटर्स अवे पर, उसके बाद एक मैन है जो वॉक कर रहा है, और उसके बाद एक स्कूल की बिल्डिंग है जो कि 80 मीटर्स पर सिचुएटेड है। तो अगर एक पर्सन को होम से लेकर स्कूल तक पहुंचना है तो डैट मीन्स उसे 80 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी पर्सन को स्कूल से होते हुए वापस गार्डन तक पहुंचना है तो उसे 80 से 20 तक और डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, डैट विल बी 60 मीटर्स। तो इन ऑल जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पर्सन हो जाएगा डैट विल बी 80 प्लस योर 60, डैट विल बी 140 मीटर्स।
तो ये बात होती है डिस्टेंस की। जब हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें रिक्वायर्ड रहता है, तो मैग्नीट्यूड सिर्फ डिस्टेंस का इनफ है 140 मीटर्स बताने के लिए कि पर्सन ने 140 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया। लेकिन अगर इसी चीज को मैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में डिफाइन करूं, देन डिस्प्लेसमेंट बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमने बोला कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, हमें दोनों चीजें चाहिए रहेंगी। तो जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट में, तो उसके साथ हमें डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। तो अगर जो पर्सन था वो होम से स्टार्ट होकर पहले स्कूल तक गया, तो उसने 80 मीटर्स राइट डायरेक्शन में ट्रैवल किया। लेकिन जब वो वापस से गार्डन की तरफ गया, तब उसने 60 मीटर्स लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रैवल किया। तो इन ऑल जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल होगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट कीपिंग इन माइंड द डायरेक्शन, एंड दैट इज व्हाई इट विल बी 80 मीटर्स राइट माइनस द 60 मीटर्स लेफ्ट, एंड दैट विल बी ओनली 20 मीटर्स। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब हम वर्ड से समझ सकते हैं, जो हमारा ग्रामेटिकल, जो हमारा इंग्लिश वोकैबुलरी का वर्ड है डिस्प्लेसमेंट, वो बताता है कि आप कितना खिसके एक जगह से दूसरी जगह, आप कितना शिफ्ट हुए, कितना डिस्प्लेस हुए। तो वो हमारा एक्चुअली में इनिशियल पोजिशन से फाइनल पोजिशन के बीच का डिस्टेंस होता है। तो फाइनल पोजिशन हमारी गार्डन है और इनिशियल पोजिशन हमारी होम है, तो वो जो डिस्टेंस है वो हमें दिख रहा है 0 से 20 है, तो हम इसे डायरेक्टली 20 मीटर्स इस तरह भी कह सकते हैं। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे, तो डिस्टेंस में हमें बताना पड़ेगा कि टोटल कितना मैग्नीट्यूड ट्रैवल हुआ, कहां से कहां तक गए, और फिर फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचते पहुंचते आपने कितना ट्रैवल किया है, नो मैटर व्हाट इज द डायरेक्शन। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में यही इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का। इसी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से हम आगे बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी और स्पीड की। जब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, तो अगेन वेलोसिटी जो है वो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पीड जो है वो हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कैलकुलेट करना है, तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ अपॉन कितना टोटल टाइम इंटरवल लगा। तो अगर हम यहाँ पर स्क्रीन पे देखें कि हमारे पास एक कार है जो ए पॉइंट से स्टार्ट होती है, बी की तरफ जाती है, फिर सी की तरफ जाती है, फिर थोड़ा सा टर्न लेती है, यू टर्न लेकर वापस से बी की तरफ आती है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर सामने दिया हुआ है कि जो डिस्टेंस है 200 मीटर, वो उस कार ने 10 सेकंड्स में कवर किया, जो नेक्स्ट 300 मीटर था बी से सी के बीच में, वो उसने 15 सेकंड्स में कवर किया, और उतने ही 15 सेकंड्स उसको वापस सी से बी में भी आने में लगेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड को चाहिए है कि टोटल स्पीड कितनी, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। तो यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस है, दैट इज 200 मीटर ए बी के बीच में, प्लस 300 मीटर बी सी के बीच में, और फिर सी से बी तक आने में 300 मीटर। सो दैट विल बी 200 प्लस 300 प्लस 300, दैट इज 800। और जो टोटल टाइम इंटरवल था, दैट वाज 10 सेकंड्स प्लस 15 सेकंड एंड प्लस वन मोर 15 सेकंड्स टू रिटर्न बैक फ्रॉम सी टू बी। सो टोटल टाइम विल बी 10 प्लस 15 प्लस 15, दैट विल बी 40 सेकंड्स। तो हमारी जो एवरेज स्पीड होती है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, दैट विल बी इक्वल टू 800 अपॉन 40, एंड दैट इज गिवन बाय 20 मीटर पर सेकंड। बट यही चीज जब हम एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, तो अगर उसी कार की हम वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे, तो नाउ यू विल हैव टू कंसिडर डिस्प्लेसमेंट इन प्लेस ऑफ डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम है डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड रहता है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है, दैट विल बी 200 प्लस 300 इन द राइट डायरेक्शन, बट 300 इन द लेफ्ट डायरेक्शन, दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 200 प्लस 300। सो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है, दैट विल बी जस्ट 200 मीटर्स, एंड टाइम इंटरवल हमारा दोनों के लिए सेम रहेगा, दैट विल बी 40 सेकेंड्स। तो यहाँ हमारा जो एवरेज वेलोसिटी है, दैट विल कम आउट टू बी 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो एवरेज स्पीड है, दैट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट टर्म्स, दैट विल इक्वल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। जब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की या एवरेज स्पीड की, तब हम टोटल टाइम इंटरवल में कितना एवरेज वेलोसिटी था या कितना एवरेज स्पीड था, हम वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस की, तो इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब होता है
उस पॉइंट पर एग्जैक्टली उसी टाइम पर एक जो इंस्टेंट होता है उस इंस्टेंट पर कितनी स्पीड या कितनी वेलोसिटी है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हमें डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और उस टाइम डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो रखना पड़ेगा। दैट मीन्स आप टाइम इंटरवल जो है उसको बहुत ही छोटा करते जा रहे हैं। एक स्मॉलेस्ट टाइम जितना इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल आप ले सकते हैं उस इंटरवल तक आप पहुंचिए जिसको आप डिफरेंशिएशन में कहते हैं डेल्टी टेंड्स टू जीरो। नाउ व्हेन योर लिमिट डेल्टी टेंड्स टू जीरो देन एट दैट टाइम व्हाट इज द रेशियो ऑफ योर डेल एक्स अपॉन डेल टी और डी एक्स अपॉन डी टी, इसी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर हम इसी चीज को ग्राफ से देखें जो हमने पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया हुआ है स्क्रीन पर, तो हम वहां पर देख सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट है P1 और PQ P2, तो P1 और P2 के बीच का जो हमारा टाइम इंटरवल है दैट इज P1 के लिए 5 सेकेंड है और P2 के लिए 8 सेकेंड है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 सेकेंड का आ रहा है, 8 माइनस 5 3 सेकेंड का डिफरेंस है। लेकिन अगर हम इस टाइम इंटरवल को रिड्यूस करते जाते हैं और इसको बहुत छोटा बनाते हैं तो Q1 और Q2 के लिए जो हमारा टाइम इंटरवल है वो 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 सेकेंड आ जाएगा। तो यहाँ पर Q1 और Q2 के बीच की जो स्पीड आएगी, जो हमारे पास स्लोप आएगा इस कर्व का, दैट स्लोप इज गोइंग टू गिव यू द इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट वी कम टू एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। जो रेट ऑफ चेंज होता है वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज नोन एज योर एक्सेलरेशन और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं? वी हैव एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। v2 माइनस v1 का मतलब आपने जो हमारा इंटरवल है वेलोसिटी का जो चेंज इन वेलोसिटी है वो ली और t2 माइनस t1 का मतलब है चेंज इन द टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम गिव्स यू द एवरेज एक्सेलरेशन। ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर हम निकालेंगे तो अगेन हमें सेम काम करना पड़ेगा, लिमिट टाइम की जो है वो टेंड्स टू जीरो कर देंगे तो जो हमारा डेल वी अपॉन डी टी डेल टी था वो हमारा डी वी अपॉन डी टी बन जाएगा और एक पर्टिकुलर एक छोटे से इंस्टेंट टाइम के लिए हमें पता चल जाएगा कि कितनी वेलोसिटी में चेंज आया और वही वेलोसिटी का चेंज जो है वो हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। अब एक्सेलरेशन जो होता है ये हमारा दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और दूसरा होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, v1 अगर कम है और v2 अगर ज्यादा है तो उस पॉइंट पर v2 माइनस v1 जो है वो पॉजिटिव आएगा और उस केस में एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव रहेगा जिसको हम एक्सेलरेशन ही बोलेंगे। लेकिन अगर हमारे पास स्पीड जो है किसी व्हीकल की या किसी ऑब्जेक्ट की कम होती जा रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो v2 की वैल्यू कम हो जाएगी और v1 की वैल्यू ज्यादा रहेगी, उस केस में आपका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव आएगा और ऐसे नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन और दूसरा रिटार्डेशन, डिपेंडिंग कि आपकी स्पीड जो है वो बढ़ रही है या कम हो रही है। इसी तरीके से अब हम एक्सेलरेशन की अगर बात करते हैं तो हम देखते हैं जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल हमने दी है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक के जब हमारा ऑब्जेक्ट गया, जब हमारी कार ट्रैवल करती है तो पहले वो 20 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रही थी, बी तक आते आते वो 40 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करने लगी जिसमें उसको 10 सेकेंड लगे। तो जो एक्सेलरेशन है बिटवीन ए और बी का, तो आप फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे दैट विल बी 40 माइनस 20 अपॉन टाइम इंटरवल दैट इज 10, सो इट विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। अगर हम बी और सी के बीच में देखें तो सी पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन था वो अब स्पीड आ गई आकर 10 मीटर पर सेकेंड जो कि बी पर थी 40 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम देख रहे हैं कि स्पीड कम हो चुकी है, जो स्पीड कम हुई है तो उसके लिए जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो इट विल बी 10 माइनस 40 अपॉन 30 सेकेंड, सो इट विल कम आउट टू बी माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दैट इज ये हमारा एक्सेलरेशन जो है वो अब कम हो चुका है। और इसी तरीके से एक्सेलरेशन ए और सी के बीच में भी देखेंगे तो 10 माइनस 20 आएगा, अगेन नेगेटिव में आएगा जो कि रिटार्डेशन कहलाएगा। अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ से बात करते हैं इसी चीज को शो करने की, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन जो है वो हम देख रहे हैं पॉजिटिव में ऊपर की तरफ जा रहा है, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ आता है और अगर जीरो एक्सेलरेशन है तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है जो कि 45 डिग्री एंगल पर है एक्स एक्सिस के साथ।
इसके बाद हम इसी चीज को एक समराइज कर सकते हैं कि स्केलर और वेक्टर्स को हम यहाँ से समराइज कर सकते हैं कि हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज वो हैं जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें चाहिए होती हैं। और यहाँ पर हम सिंबल्स जो हैं उनके अलग अलग सिंबल्स से डिनोट करते हैं, जो स्केलर क्वांटिटी है वो नॉर्मल सिंबल से डिनोट की जाती है, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं हम उनको बोल्ड लेटर्स से और एक एरो के साइन से डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए जैसे हमारे पास मास है, टेम्परेचर है, स्पीड है, डिस्टेंस है, ये सब क्वांटिटीज जो है स्केलर क्वांटिटीज में आती हैं, लेकिन वेलोसिटी हुई, एक्सेलरेशन हुई, फोर्स हुई, ये सारी जो क्वांटिटीज हैं ये सब वेक्टर क्वांटिटीज में आती हैं। अब हम बात करते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो लॉज ऑफ मोशन जो है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज है आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हमें हमारा एक ये नॉर्मल सा एक्सपीरियंस होता है डेली लाइफ में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कहीं पर रखा हुआ है, जैसे कि एक बॉल कहीं पर रखी हुई है, तो द बॉल इज गोइंग टू रिमेन एट इट्स पोजिशन अंटिल एंड अनलेस आप उसको हिलाते नहीं है। हिलाते नहीं है का मतलब यह है कि आप उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक बॉल मूव नहीं करेगी। या तो ये फोर्स आप अप्लाई करते हैं या ये बाहर के एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से भी हो सकता है, तेज हवा चली तो बॉल मूव करेगी, या आपने किसी और तरीके से आपने एयर ब्लो करी तो बॉल मूव करेगी। तो जब तक आप एक्सटर्नली कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है। और इसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो जब तक आप उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे उसको रोकने के लिए तब तक वो बॉडी रुकती नहीं है। एक एक्सेप्शनल केस होता है फ्रिक्शन का जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम यूजुअली ये कहते हैं कि अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो इट इज गोइंग टू मूव एज इट इज अंटिल एंड अनलेस यू आर नॉट स्टॉपिंग इट बाय प्रोवाइडिंग एन एक्सटर्नल फोर्स, या फिर अगर एक बॉडी अपनी पोजिशन पर स्टेशनरी है तो वो बॉडी स्टेशनरी ही रहेगी जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये हमेशा इन्वॉल्व रहता है किसी भी बॉडी के मोशन में। तो यही चीज जो है वो लॉज ऑफ मोशन ने प्रॉपरली एक्सप्लेन करी हुई है। तीनों लॉज ऑफ मोशन जो है वो फोर्स के हिसाब से हमें बताते हैं कि किस तरीके से बॉडी पे फोर्सेस एक्ट करते हैं। तो अब जो फोर्सेस होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो समझें, फोर्सेस दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस और दूसरे होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जो पहले होते हैं हमारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस, वो जैसे हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस मीन्स दोज फोर्सेस विच आर अप्लाइड बाय कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी। जब आपकी बॉडी पे कॉन्टैक्ट हो रहा है तभी वो फोर्सेस एक्ट करते हैं, सो दीज आर नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम बोलते हैं कि हमने एक क्रिकेट की बॉल थी जिसको हमने बैट से हिट करा, तो जब बैट बॉल पे जाकर हिट करता है उसी पॉइंट पर जाकर कॉन्टैक्ट होता है और उसी पॉइंट पे जाकर फोर्स लगता है। तो ऐसे फोर्सेस जो हैं वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहलाते हैं। जो दूसरे तरीके के फोर्सेस होते हैं वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं, जिसमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता स्टिल फोर्स अप्लाई होता है। जैसे कि हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो मासेस के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा तब भी वो फोर्सेस एक दूसरे, दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरीके से हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, अगर मैग्नेट्स रखी हुई हैं तो दो मैग्नेट्स के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है लेकिन तब भी उनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है। तो ये जो फोर्सेज होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, ग्रेविटेशनल फोर्सेज, मैग्नेटिक फोर्सेज, ये फोर्सेज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज कहलाते हैं। फिलहाल हमारे जो सिलेबस में है लॉज ऑफ मोशन में है हम कॉन्टैक्ट फोर्सेज पढ़ते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ने के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। जो फर्स्ट लॉ है वो टोटली फोर्स के ऊपर बेस्ड है, लेकिन फर्स्ट लॉ को पढ़ने के लिए पढ़ने से पहले हम एरिस्टोटल्स फैलेसी की बात करते हैं। नाउ व्हाट इज एरिस्टोटल्स फैलेसी? एरिस्टोटल एक ग्रीक के साइंटिस्ट थे और इन्होंने हमें ये बताया, इनका ये व्यू था कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब जब भी अगर आप को एक बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखना है तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और उनके हिसाब से उनका कॉन्सेप्ट ये था कि एक बॉडी जो होती है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा अपने आप को रेस्ट पे रखना चाहती है।
तो अगर वो अपने आपको रेस्ट पे रखना चाहती है, हर बॉडी ये कोशिश करेगी कि वो हमेशा रेस्ट पे रहे, तो अगर आप चाहते हैं कि वो बॉडी मूव करे, तो वो बॉडी को मूव करने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। हालांकि ये बात कुछ हद तक सही थी, बट ये पूरी तरीके से सही नहीं थी, क्योंकि जब गैलीलियो आए और उन्होंने अपना प्रपोज किया, अपना रूल प्रपोज किया, अपना लॉ बताया, तो उन्होंने बताया कि एरिस्टोटल की पॉलिसी रॉन्ग थी, बिकॉज हर बॉडी अपने आप को रेस्ट पे नहीं रखना चाहती है, ऐसा नहीं होता है। एक एक्सटर्नल फोर्स जरूर चाहिए बॉडी को मोशन करवाने के लिए, बट यहीं से हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट इनर्शिया का। इनर्शिया की हम बात करें, व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज एक्चुअली द रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। सो हाउ वी डिफाइन इनर्शिया? इनर्शिया इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। मतलब कि एक बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को कभी भी चेंज नहीं करना चाहती। दिस इज द प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एवरी बॉडी, दैट इट ट्राइज टू रिमेन एट दैट पोजिशन विच इट इज इन एक्चुअली। मतलब कि अगर एक बॉडी रेस्ट पर है तो वो हमेशा ट्राई करेगी कि वो रेस्ट पर ही रहे, या अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो वो हमेशा ट्राई करेगी कि वो यूनिफॉर्म मोशन ही करती रहे। ये प्रॉपर्टी कहलाती है प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। और इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी है, ये एक बॉडी के मास से रिलेटेड रहती है। ये एक बॉडी के मास की वजह से होती है। जितना ज्यादा बॉडी का मास होता है, उतना ज्यादा बॉडी का इनर्शिया होता है। तो जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा, वो उतना ही रेजिस्ट करेगा कि अगर वो मोशन में है तो वो मोशन करता रहे, और अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट की पोजिशन पर ही रहे, उसमें कोई चेंज नहीं आए। ये हमारा कहलाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। और इसी चीज को गैलीलियो ने अपने लॉ ऑफ इनर्शिया से बताया, और उसने ये बताया कि एरिस्टोटल की यही बात गलत है कि हर बॉडी हमेशा रेस्ट पे रहना चाहेगी। इट इज नॉट सो। बॉडी जो है वो अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहती है, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन पर ही रहना चाहती है, अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता। और यही गैलीलियो का लॉ एक बेस बना न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसका स्टेटमेंट है, ये कहता है, अ बॉडी एट रेस्ट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, एंड अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन टेंड्स टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब तक एक बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करा जाएगा, तो बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे रहेगी, और अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन ही करती रहेगी। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो आप चलती हुई बॉडी को रोक भी सकते हैं, और रुकी हुई बॉडी को आप चला भी सकते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उसके बाद भी बॉडी चलते चलते रुक जाती है। तो क्या हम ये कहेंगे कि न्यूटन का लॉ गलत है? नहीं, तब भी लॉ गलत नहीं है, क्योंकि वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है जो कि बॉडी को रोक रहा है। तो वहां पर भी एक एक्सटर्नल फोर्स है जो कि बॉडी को रोक रहा है, इसलिए ये कहा जाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, जो कि ये बताता है कि अगर आपकी बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी अगर आप फोर्स नहीं लगाएंगे, और अगर वो चल रही है तो वो चलती रहेगी अगर आप फोर्स नहीं लगाएंगे। तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इनर्शिया की। इनर्शिया तीन तरीके का होता है। थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया आर देयर। फर्स्ट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकेंड इज इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड थर्ड इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो पहले बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है कि अगर बॉडी रुकी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, स्टेशनरी है, तो वो स्टेशनरी ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। इस इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि पहली एग्जाम्पल मैंने दी हुई है कि डस्ट कम्स आउट व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई कारपेट है और वो बहुत गंदा हो गया है, तो हम उसको लटकाकर और उस पर डस्टिंग करने के लिए उसको बहुत तेज तेज बीट करते हैं किसी स्टिक से। तो स्टिक से बीट करने से जो पार्टिकल्स उसके ऊपर, डस्ट पार्टिकल्स अटैच होते हैं, वो सारे बाहर निकल आते हैं। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो उसी टेंडेंसी में है कि वो रेस्ट पे हैं तो वो रेस्ट पर ही रहेंगे। लेकिन जब आप कारपेट को बीट कर रहे हैं तो कारपेट मोशन में आ जाता है, कारपेट अपनी जगह से हिल जाता है, डस्ट पार्टिकल्स वहीं के वहीं रह जाते हैं, तो वो अपनी जगह से नीचे गिर जाते हैं। तो इस तरीके से डस्ट पार्टिकल्स कारपेट से सेपरेट हो जाते हैं।
नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक कांच है विंडो का, और उस कांच पे हमने गन शॉट मारा हुआ है। गन शॉट मारने के बाद वो जो कांच, अगर वो जो गन का शॉट है वो अगर एक बहुत ही छोटी सी शॉट बुलेट से मारा हुआ है, तो वो बुलेट बहुत तेज पियर्स करके निकल जाती है और कांच टूटता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जब बुलेट पियर्स करके निकल कर गई, तब वहां पर जो पार्टिकल्स थे कांच के उसके आसपास के, वो रेस्ट पे थे, तो वो पार्टिकल्स उसी तरीके से रेस्ट पे रहते हैं और बुलेट बीच में से निकल कर चली जाती है, वो वहां से हिलते नहीं है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब वो पार्टिकल्स वहां से हिलना शुरू होते हैं, तब वो पूरा कांच टूटता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से जो पार्टिकल जहां था वो एज इट इज वहीं पर रहता है। बच्चे एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कि ग्लास लिया और ग्लास के ऊपर एक फ्लैप रखा, एक पतला सा कार्डबोर्ड रखा, और कार्डबोर्ड के ऊपर एक कॉइन रखा। अब हम क्या करते हैं कि एक कार्डबोर्ड को अपने फिंगर से बहुत तेज एकदम से सडनली पुश कर देते हैं। अगर हम सडनली कार्पेट को पुश करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो कॉइन था वो कॉइन फॉल कर जाता है ग्लास के अंदर, वो उस कार्डबोर्ड के साथ आगे नहीं बढ़ता। तो ये भी रीजन जो है इसके पीछे इनर्शिया का ही रीजन है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ही रीजन रहता है, क्योंकि जो हमारा कॉइन था वो रेस्ट पे था, सिर्फ जो हमारा कार्डबोर्ड था वो बीच में से निकल कर गया, वो मोशन करके गया, लेकिन जो कॉइन था वो वहीं के वहीं था रेस्ट पे, और उसके नीचे से क्योंकि कार्डबोर्ड निकल गया तो वो जो कॉइन है वो ग्लास के अंदर जाकर गिर जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मैम एक सवाल उठता है, मैम एक सवाल उठता है कि आर द लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल एवरीवेयर? क्या सभी जगह पर ये जो मोशन का लॉ है ये सभी जगह एप्लीकेबल होता है? इसका जवाब देंगे उसके बाद नहीं, एक प्रश्न और है जो कि हमारे एक ऑडियंस ने पूछा है यूट्यूब पर, तो उसको भी मैं आपसे पूछता हूँ। जी ठीक है सर, लॉज ऑफ मोशन जो है वो सभी जगह पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। लॉज ऑफ मोशन मैंने बताया आपको शुरू में इनर्शियल फ्रेम्स और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के बारे में, तो जब हम इनर्शियल फ्रेम्स की बात करेंगे वहीं पर लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल होंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में कभी भी हम लॉज ऑफ मोशन को नहीं लगा सकते हैं। ओके ठीक है, एक हमारे ऑडियंस हैं अशोक कुमार जी ने यूट्यूब पर पूछा है कि व्हाट इज एक्चुअली पोजीशन ऑफ वेक्टर, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर जी सर, पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट्स रहते हैं, उस पर हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को जब बताते हैं तो हमें उन तीनों पॉइंट्स का लोकेशन बताना पड़ती है कि एक्स की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या है, वाई की वैल्यू क्या है और जेड की वैल्यू क्या है। फॉर इंस्टेंस हम अगर देख लें कि एक्स की वैल्यू मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, वाई की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है और जेड की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, तो आप पोजिशन बताएंगे 2, 3, 4, ये उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट रहेगा। लेकिन अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो जब हम ओरिजिन से उस पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, मान लीजिए हम उस पॉइंट का नाम पी ले रहे हैं और ओरिजिन को हम ओ बोल रहे हैं, तो ओ से लेकर पी को जब हम कनेक्ट करते हैं तो ओपी लाइन जो हमारी बनेगी दैट इज नोन एज द पोजीशन वेक्टर, और उस पोजीशन वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। तो वो जो हमारा डिस्टेंस रहेगा ओरिजिन से लेकर उस कोऑर्डिनेट 2, 3, 4 तक का, वो डिस्टेंस जो है दैट इज एक्चुअल द पोजीशन वेक्टर। चलिए, तो ये अशोक कुमार जी का प्रश्न था और ये उन्हें उत्तर मिल गया होगा, और आगे बढ़ें, आप अपनी जानकारियां जो इस विषय के इर्द गिर्द आज के छात्रों को दे रही हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मायने रखती है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और रेलिवेंट भी है लोगों के लिए, आम लोगों के लिए भी, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ अ लिफ्ट? अगर लिफ्ट अचानक गिर जाती है टूटकर, तो लॉज ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग अगर उसको देखें, इस नियम के दायरे में देखें, तो क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव होता है, क्या होता है? सर लिफ्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये जो आपने बताया है अभी लिफ्ट का, ये हम आगे अभी करेंगे डिस्कस इसको, लेकिन मैं क्योंकि आपने अभी क्वेश्चन पूछा है तो मैं बताती हूँ कि जो फ्री फॉल होती है लिफ्ट की, एक्चुअली में हम जब एक ऑब्जेक्ट का वेट हम अपना कैरियर मेजर करते हैं, तो वेइंग मशीन से जब हम मेजर करते हैं हमारा वेट, तो वो वेट जो होता है वो एक्चुअली में नॉर्मल रिएक्शन होता है, और नॉर्मल रिएक्शन जब तक कि लिफ्ट हमारी रेस्ट पर है या वो एक यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है तब तक हमारा जो वेट है
वो एक्चुअल वेट ही रहता है। लेकिन अगर हमारी लिफ्ट एक्सेलरेट होना शुरू हो जाती है तो एक्सेलरेशन के टाइम पर अगर एक्सेलरेट हो रही है लिफ्ट तो हमारा वेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, नॉर्मल वेट्स की जगह हमें एक सूडो वेट मिलता है जो कि इंक्रीज मिलता है। और इस तरीके से अगर डिक्लेरेट होती है लिफ्ट तो हमें जो वेट है वो कम मिलता है। लेकिन अगर लिफ्ट फ्री फॉल करने लगती है तो उस टाइम पे जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट जो है वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, और उस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो वेटलेसनेस फील करता है, उसको लगता है कि अब उसका कोई वेट नहीं है। तो जो वेट है वो एक्चुअली में अपेरेंट वेट इक्वल टू जीरो हो जाता है। ये चीज अभी हम आगे के लेक्चर में और अच्छे से डिस्कस करेंगे तो और बेटर क्लियर होगा। जी तो हम आगे बढ़ते हैं। वी हैव द लॉ ऑफ मोशन, जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा इनर्शिया था वो इनर्शिया ऑफ मोशन था। इनर्शिया ऑफ मोशन जो होता है वो ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो अगर वो चल रहा है किसी अपने यूनिफॉर्म स्पीड से तो वो चलता रहेगा, रुकेगा नहीं जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगेगा। तो अगर हम देखते हैं कि जैसे अगर आप ट्रेन में चल रहे हैं और आप ट्रेन में जब आप ट्रेन से नीचे उतरते हैं तो चलती हुई ट्रेन से अगर आप नीचे उतरेंगे तो आप अक्सर गिर जाते हैं फॉरवर्ड की तरफ। ऐसा क्यों होता है? तो ये हमारा बेसिकली इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ही होता है। या फिर हम कहते हैं कि जैसे हम कार में बैठे हुए थे, कार चल रही थी और चलते चलते एकदम से ब्रेक अप्लाई हुए, तो ब्रेक अप्लाई होने के बाद हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, थोड़ा सा झुक के गिरते हैं आगे की तरफ। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये सब चीजें जो है ये इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से होती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो जब हम कार चल रही है तब हमारी बॉडी भी कार के साथ मूव कर रही है, लेकिन एक पॉइंट के बाद कार ने अचानक से जब ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगने की वजह से जो हमारे जितना पार्ट बॉडी का कार के साथ कांटेक्ट में था वो पार्ट रुक गया, जो हमारे लेग्स कांटेक्ट में थे वो पार्ट रुक गया, लेकिन जो हमारी अपर बॉडी थी वो अभी भी मोशन के इनर्शिया में है, तो इस वजह से वो आगे की तरफ झुक जाती है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जब बस और हमारे जितने भी कैरियर्स होते हैं उनके ऊपर हम जब लगेज रखते हैं तो हम उस लगेज को यूजुअली बांध के रखते हैं, हम उसको ऐसे ही सिंपल सूटकेसेस को नहीं रख देते हैं, तो हमें उसे बांधने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो इसके लिए भी रीजन हमारा जो है वो इनर्शिया ऑफ मोशन ही रहता है, क्योंकि अगर हम उसको ऐसे ही रख देंगे, उन्हें बांधेंगे नहीं, तो क्या होगा? ब्रेक सप्लाई करने पर जो उनका पार्ट है जो बस से अटैच्ड है वो तो अटैच होने की वजह से रुक जाएगा, लेकिन उनका ऊपर वाला जो पार्ट है वो आगे की तरफ गिरेगा, और आगे की तरफ गिरने की वजह से सामान जो है वो फॉरवर्ड गिर जाता है, तो इसकी वजह से हमें उसे बांध के रखना पड़ता है। इसी तरीके से मतलब हम ये बोलते हैं कि इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ऑब्जेक्ट्स जो है रोकने के बाद भी थोड़ा बहुत मूवमेंट में रहते हैं, और यही फायदा एथलीट्स उठाते हैं जब वो लॉन्ग जंप करते हैं या वो रेस कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि रेस क्रॉस होने के बाद भी, फाइनल लाइन आने के बाद भी जो एथलीट्स हैं वो थोड़ा और भागते रहते हैं, क्योंकि अगर वो सडनली स्टॉप हो जाएंगे तो उनमें मोमेंट लॉ ऑफ इनर्शिया लगेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन लगेगा, जिसकी वजह से वो गिर सकते हैं। लेकिन जब एक एथलीट होता है वो जब जंप करता है तो हाई जंप करने के टाइम पर वो थोड़ा भागता हुआ आता है पीछे से, और पीछे से भागकर आने के बाद वो जंप करता है, वो इसलिए करता है ताकि उसके अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन आ जाए और उस इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो थोड़ा और आगे डिस्टेंस कवर कर पाए। तो ये यूटिलाइजेशन होता है इनर्शिया ऑफ मोशन का। इसी तरीके से इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी होता है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होगा कि अगर हम किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो सर्कुलर मोशन में मूव करते करते अगर आप एकदम से उसको रोकेंगे तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो मूव कर रहा है, लेकिन आपने उसको एकदम से रोक दिया तो वो जिस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था वो वहीं पर मूव करते रहेगा, तो सर्कल से हमेशा टेंजेंट के डायरेक्शन में मूवमेंट रहेगा। ये चीज जो है एप्लीकेबल रहती है जब हमें टायर्स से मड निकालना होती है, बहुत ज्यादा मड होती है और आपको टायर के फ्लैप से निकालना होती है, तो आप टायर को सर्कुलर मोशन में मूव करवाते हैं इसको खड़ा करके, तब जितनी भी मड होती है वो साइडवेज टेंजेंशियल डायरेक्शन में निकलती जाती है, तो ये बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से ही हो पाता है। यही लॉ ऑफ इनर्शिया जो है हम जब थर्ड लॉ पढ़ेंगे एक्शन और रिएक्शन में तब भी हमें और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो अब हम बात करते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस की। दो तरीके के फोर्सेस होते हैं, एक बैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं, एक अनबैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं। जो बैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं उनका मतलब होता है इक्वल एंड ऑपोजिट, जब सब तरफ से इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस लग रहे होते हैं तो उस वजह से कोई भी चेंज नहीं हो पाता मोशन में, इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। लेकिन अगर अनइक्वल फोर्सेस लग रहे हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक तरफ से फोर्स ज्यादा है एक तरफ से फोर्स कम है, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर अब वो फोर्स अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करता है और वहां पर मोशन होने लगता है। ऐसे
ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। जैसे कि अगर हम टग ऑफ वॉर का एग्जाम्पल लेते हैं, टग ऑफ वॉर खेल रही हैं दो टीम्स, रस्सी को दोनों तरफ से पकड़ा हुआ है और दोनों तरफ से टीम्स इक्वल फोर्स लगा रही हैं, तो जो फोर्स इक्वल लगने की वजह से कोई भी टीम दूसरी तरफ नहीं मूव कर पाती, एक बैलेंस्ड फोर्स लग रहा होता है। लेकिन अगर एक टीम के लोग थोड़ा सा भी वीक पड़ जाए, उनका फोर्स थोड़ा कम हो जाए, तो वो दूसरी टीम की तरफ से एकदम से खींच लिए जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स काम करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज डिफाइन करते हैं, नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट टर्म आती है लॉज ऑफ मोशन में, वो होती है मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है एक प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी इनटू वेलोसिटी। मतलब एक बॉडी का मास जब हम उसके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज एम इनटू वी, देन द टर्म इज नोन एज मोमेंटम, दैट इज डिफाइंड बाय पी एंड इट्स फॉर्मूला इज एम वी। अगेन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड वेक्टर क्वांटिटी है तो हम पहले ही बता चुके हैं कि हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीजें चाहिए रहेंगी जब भी हम मोमेंटम को डिफाइन करेंगे। इसका जो यूनिट होता है वो केजी मीटर पर सेकंड होता है, एसआई यूनिट में बात करें तो, और सीजीएस में बात करें तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड में डिनोट किया जाता है। मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमेशा कंजर्व रहती है। जैसे कि हम कंजर्वेशन लॉस पढ़ते हैं जब भी, एनर्जी, हमें पता है यूनिवर्सल लॉ है कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, उसी तरीके से एक आइसोलेटेड सिस्टम में मोमेंटम भी हमेशा कंजर्व रहता है। मोमेंटम का मतलब है एम इंटू वी। एम इंटू वी का मतलब मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो आपको ज्यादा फोर्स चाहिए रहता है उस बॉडी को मूव करवाने के लिए, उसकी वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए। अगर उसका मास कम है तो आपको कम फोर्स में भी उसका मूवमेंट आप करवा सकते हैं। और इसी मोमेंटम की हेल्प से हम डिफाइन करते हैं सेकेंड न्यूटन का लॉ। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन की सेकेंड लॉ के हिसाब से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। तो जो रेट ऑफ चेंज होता है मोमेंटम का, वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में होता है और उसी डायरेक्शन में अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। और ऑल्टरनेटिवली हम इसी रिलेशनशिप को ये भी कह सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट का मास m है और उसका एक्सेलरेशन a है, तो जो डायरेक्शन होगा अप्लाइड फोर्स जो होगा वो सेम होगा एक्सेलरेशन वेक्टर के डायरेक्शन में भी। दो चीजें कहीं हमने यहाँ पर फोर्स को डिफाइन करा, एक मोमेंटम के टर्म्स में और एक एक्सेलरेशन के टर्म्स में। जब हम बात कर रहे हैं मोमेंटम के टर्म्स में तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स, दैट इज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाय डीटी। यू हैव टू माइंड दीज वर्ड्स दैट हम कभी भी ये नहीं बात कर रहे हैं कि मोमेंटम का चेंज जो है, मोमेंटम की आप डिवाइड कर दो टाइम से तो वो फोर्स बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू कंसिडर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब डीपी बाय डीटी कंसिडर करना है, सिर्फ पी बाय टी नहीं लेना है। तो डीपी बाय डीटी जो होगा वो फोर्स होता है, और पी क्योंकि हमारा एम इंटू वी होता है, मास अगर हम बॉडी का कॉन्स्टेंट माने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन है कि अगर आप मास को कांस्टेंट मान रहे हैं उस कंडीशन पे m बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन से, तो m dv by dt जो होता है, dv by dt is nothing but your acceleration जो हम पीछे डिफाइन कर चुके हैं, तो हम फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो जो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का, वो दो तरीके से डिफाइन होता है। फर्स्टली यू कैन से दैट इट इज द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम, एंड सेकेंडली यू can say that force is the product of mass and acceleration। और इसके बाद हम define करते हैं impulse। impulse जो एक चीज है, impulse एक ऐसी quantity है जो कि force से ही parallel चलती है। वो एक force ही है जो कि multiply करते हैं हम time से। टाइम को जब आप फोर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जब क्वांटिटी बनती है वो होती है इम्पल्स। इम्पल्स मतलब होता है एक छोटे से टाइम में जो फोर्स ने एक्ट करा किसी बॉडी के ऊपर, उस चीज को आप बोलते हो इम्पल्स। जैसे कि अगर हम टेनिस के रैकेट की बात करें तो टेनिस की रैकेट ने जब बॉल को के ऊपर फोर्स लगाया, उसको हिट करा, तो हम बोलते हैं इम्पल्स लगाया उसको रैकेट ने बॉल के ऊपर, क्योंकि वो एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए था। तो जब भी हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे लगने वाला फोर्स इंपल्स कहलाता है। तो हम यहां से फोर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं, जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था, वही हमारा इंपल्स के फॉर्म में भी डिफाइन किया जा सकता है। और इधर से हमारे पास बहुत ही अच्छे एप्लीकेशंस आते हैं जो कि हमारे सेकंड लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशंस कहलाते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन जो हम देखते हैं अपनी डेली लाइफ में, कि अगर क्रिकेटर को
अपना एक कैच लेना होता है, तो कैच लेने के लिए हम हमेशा देखते हैं कि क्रिकेटर अपने हाथों को नीचे करता है, पीछे करता है जब बॉल उसकी तरफ आती है। तो वो ये क्यों करता है? वो ये इसलिए करता है ताकि उसका इम्पल्स कम हो पाए। इम्पल्स कम होने का मतलब उसका ऊपर जो फोर्स लगेगा उसके हाथों में जब वो कैचिंग करेगा, तब वो फोर्स की वैल्यू कम हो पाए। बिकॉज वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी। डेल पी अपॉन डेल टी में डेल टी जो है वो नीचे आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो डिनोमिनेटर में आप डेल टी अगर आप बढ़ाओगे तो फोर्स की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो अगर आप टाइम इंटरवल बढ़ाएंगे किसी तरह तो फोर्स लगने वाला आपके हाथों पे कम हो जाएगा। इसलिए आप हाथों को पीछे करते हैं ताकि बॉल को थोड़ा सा टाइम मिले आपके हाथों को टच करने में। इसी तरीके से हम बोलते हैं कि अगर एक पर्सन सीमेंटेड फ्लोर के ऊपर गिर रहा है तो वो ज्यादा इंजोर होता है बनिस्बत इसके जब वो एक सैंड के हीप पर गिरेगा। सैंड के हीप पे गिरने के टाइम पर जो उसके ऊपर इंजरी आएगी वो बहुत कम होगी एज कम्पेयर टू दैट व्हेन ही इज फॉलिंग ऑन द सीमेंटेड फ्लोर। व्हाई दिस दिस हैपेंस? बिकॉज जब वो सीमेंटेड फ्लोर के ऊपर गिरेगा तो एक सेकेंड के अंदर वो उस फ्लोर के टच में आ जाएगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर काफी सारा फोर्स अप्लाई होगा और उसको बहुत पेन होगा। लेकिन अगर वो हीप ऑफ सैंड के ऊपर गिरेगा तो सैंड अपने आप में नीचे की ओर एडजस्ट करेगी और उसको ग्राउंड को टच करने के लिए बहुत सारा टाइम मिल जाएगा। अगेन टाइम इंटरवल इंक्रीज हुआ तो फोर्स ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास और एग्जाम्पल्स हैं कि जब ट्रेन सडनली एक दूसरे को हिट करती हैं तो डैमेज बहुत ज्यादा होता है। जब व्हीकल्स जो हैं हम उनमें शॉक्स को एब्जॉर्ब करने के लिए स्प्रिंग्स लगाते हैं, क्योंकि स्प्रिंग्स की क्वालिटी होती है कि वो अपने आप को स्प्रिंग करने के प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम इंटरवल बढ़ा देते हैं। इसी तरीके से अगर हम एक कार की सीट स्पॉन्ज सीट पर अपना हाथ मारेंगे तो हमें कम हर्ट होगा, लेकिन अगर हम दीवार पे एक मुक्का मारेंगे तो हमें ज्यादा लगेगी। अगेन द सेम लॉजिक इज देयर। इस तरीके से कराटे प्लेयर जो होता है वो पाइल्स ऑफ टाइल को हम देखते हैं कि कराटे प्लेयर के सामने बहुत सारे टाइल्स रखे हुए होते हैं एक के ऊपर एक, या ब्रिक्स रखी हुई होती हैं, और वो एक सिंगल शॉट मारता है और वो सारे के सारे ब्रिक्स टूट जाती हैं और उसके हाथ में लगती भी नहीं है। ऐसा क्यों होता है? तो उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो इम्पल्स का ही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज वो अपनी स्पीड बढ़ाता है और स्पीड बढ़ाकर इमिजिएटली वो टच करता है टाइल्स को, तो टाइम बहुत ही एकदम से वो जब बढ़ाकर टाइम लगाता है तो उसका फोर्स बहुत कम। यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो इमिजिएट हमारा जो फोर्स लगता है तो टाइम इंटरवल कम होने की वजह से फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और फोर्स बढ़ता है तो टाइल्स एकदम से ब्रेक हो जाते हैं। तो ये हमारे मेन एप्लीकेशंस होते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद आता है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है हमारा एक्शन और रिएक्शन का मोशन का लॉ। इसमें क्या होता है कि थर्ड लॉ कहता है, यस सर, नहीं नहीं कंटिन्यू मैम कंटिन्यू। सो वी हैव थर्ड लॉ, वी हैव कि देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। जब जब कोई एक्शन होगा तो उसके लिए एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन भी होगा। जैसे कि अगर हमने एक बॉल पकड़ी हुई है अपने हाथ में तो हम फोर्स लगा रहे हैं बॉल के ऊपर उसको अपने हाथ से पकड़ने के लिए, तो सिमिलरली बॉल भी हमारे हाथों के ऊपर फोर्स लगा रही है। तो हर ऑब्जेक्ट के ऊपर जब जब आप कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट भी बाय इट्स नेचुरल प्रॉपर्टी इट इज गोइंग टू अप्लाई सम फोर्स ऑन अस। सो ये फोर्स, ये जो लॉ होता है ये कहलाता है एक्शन रिएक्शन का लॉ, जिसके लिए हम कहते हैं कि अगर फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ए बाय बी इज एफ ए बी, देन फोर्स एक्टिंग ऑन बी बाय ए विल बी एफ बी ए, एंड एफ ए बी विल ऑलवेज बी इक्वल टू एफ बी ए। एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो है वो दोनों बराबर होते हैं, लेकिन क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट बॉडीज के ऊपर लगते हैं, दूसरी बॉडी के ऊपर लगते हैं, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाते। जो हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ मोशन है, क्योंकि इसकी वजह से हमें बहुत सारे एडवांटेजेस प्रोवाइडेड हैं। जैसे कि अगर हम वॉकिंग करते हैं तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से ही पॉसिबल है। हम स्विमिंग करते हैं तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से पॉसिबल है। क्यों है ये चीजें? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि जब भी आप किसी चीज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो चीज आपके ऊपर वापस से फोर्स अप्लाई करेगी, एक रिएक्शन फोर्स देगी। तो जब हम अपना फुट जमीन के ऊपर रखते हैं तो वो फुट जब
अर्थ के ऊपर आएगा तो फुट अर्थ के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करेगा. एट द सेम टाइम दैट अर्थ इज ऑल्सो गोइंग टू अप्लाई सम फोर्स ऑन आवर फुट एंड दैट इज वाई वी आर गेटिंग अ रिएक्शन एंड ड्यू टू विच वी आर एबल टू वॉक. सिमिलरली जब हम स्विमिंग करते हैं तो हमारा हाथ जो है वो पानी को पीछे की तरफ ढकेलता है, तो उसी टाइम पे पानी जो है वो हमें आगे की तरफ पुश करता है एंड दैट इज हाउ यू कैन स्विम. इसी तरीके से हमने देखा है कि जब एक बोटमैन एक रिवर बैंक पे जाता है तो वो लोगों को उतारने से पहले अपनी बोट को बांध देता है. वो क्यों बांध देता है अपनी बोट को? क्योंकि अगर हम अपना फुट आगे बढ़ाएंगे बाहर निकलने के लिए, शोर पर निकलने के लिए, तो शोर पर निकलने के लिए हम जैसे ही फुट आगे बढ़ाएंगे तो एक रिएक्शन फोर्स पीछे की तरफ बोट पे लगेगा जो बोट को पीछे की तरफ पुश कर देगा और बोट वापस पानी पे चली जाएगी. तो उसे रोकने के लिए पहले बोटमैन जो है वो उसको पोल पे बांधता है, उसके बाद लोगों को नीचे उतारता है. इसी तरीके से एक गन जब हम शूट करते हैं, गन से एक बुलेट को शूट किया जाता है, तो हम देखते हैं कि जब जब बुलेट आगे बढ़ती है तब तक गन जो है वो पीछे की तरफ थोड़ा सा रिकॉइल होती है. तो यहाँ पर भी हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन आता है. इसी तरीके से जब हम मोशन ऑफ रॉकेट्स और जेट एयरप्लेन्स का मोशन देखते हैं तब क्या होता है कि जब जेट एयरप्लेन आगे की तरफ स्काई में ऊपर की तरफ मूव करता है तो उससे उसके एग्जॉस्ट में गैसेस होती हैं, वो गैसेस नीचे की तरफ आती हैं. जब गैसेस नीचे की तरफ निकलेंगी, प्रपल्शन होगा गैसेस का नीचे की तरफ, तब उसी टाइम पर क्योंकि रिएक्शन एक्शन फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा गैसेस का और उसकी वजह से रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा. तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे होते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्सेस के. नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, हम ये बोलते हैं कि जो हमारा सेकेंड लॉ है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, क्योंकि इसमें फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों इनहेरिट होते हैं, दोनों को कंटेन करता है. हम क्यों बोलते हैं, हमने फर्स्ट लॉ क्या बोला कि फॉर अंटिल अनलेस देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, योर बॉडी इज गोइंग टू रिमेन एट इट्स कंडीशन ऑफ रेस्ट और इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सेकेंड लॉ हमने बोला कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड फोर्स यू कैन से इट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. एंड थर्ड लॉ हमने बोला कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो जब हम फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, सेकेंड लॉ हम बोल रहे हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अब अगर हम इस मैथमेटिकल इक्वेशन में फोर्स इज इक्वल टू एम इनटू ए में ए की वैल्यू जीरो कर दें, एक्सेलरेशन को जीरो कर दें, एक्सेलरेशन जीरो करने का मतलब क्या होगा कि आप मोशन को जीरो कर रहे हैं. मोशन को जीरो करने का मतलब क्या, फोर्स इक्वल टू जीरो आ रहा है, एफ इज इक्वल टू एम ए में ए जीरो तो एफ जीरो, या फिर आप कन्वर्सली कह सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू जीरो तो ऑटोमेटिकली ए विल बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज अगर दो टर्म्स का प्रोडक्ट है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो अगर आपका मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो है दैट मीन्स either mass will be zero or acceleration will be zero, but you know that mass cannot be equal to zero for any body, so your acceleration will be directly equal to zero. So what will happen ki agar aap force equal to zero kar rahe hain to acceleration directly equal to zero aa raha hai, so you can say that when no force is applied there won't be any acceleration. So this is nothing but your first law of motion. So from your second law you are reaching to the first law. Similarly, from the second law, you can reach to the third law also. What is your second law? Second law says that rate of change of the momentum is equal to force. And that means, अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मोमेंटम पी वन है एक का मोमेंटम पी टू है, एंड हमारे पास डी पी वन बाई डी टी है एक के लिए, दूसरे के लिए डी पी टू बाई डी टी है, दोनों का हम एडिशन कर दें तो हमारे पास टोटल फोर्स मिल जाएगा. अगर हम इसको इक्वल टू जीरो कर दें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दें दैट इनिशियल मोमेंटम हमारा जीरो था तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए, तो उस कंडीशन पे योर फर्स्ट फोर्स विल बी इक्वल टू द सेकंड फोर्स विद अ नेगेटिव साइन एंड दैट इज नथिंग बट योर थर्ड लॉ व्हिच सेज दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. सो यू सी दैट सेकंड लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ फ्रॉम योर वेयर यू आर गेटिंग द फर्स्ट एज वेल एज द थर्ड लॉ. ओके मैम, समय 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 हमसे कह रहा है कि हम अपने छात्रों से विदा लें. आपने आज समय निकाला हमारे छात्रों के साथ जुड़ने के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां शेयर की लॉज ऑफ मोशन से जुड़ी हुई. तीनों लॉज के बारे में आपने बताया, कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बताया और ओपोजिट फोर्सेस के बारे में आपने चर्चा की. उम्मीद करते हैं कि हमारे छात्रों को इस
कठिन इस कॉम्प्लिकेटेड विषय को समझने में आसानी हुई होगी, क्योंकि विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें छात्र मित्रों अगर आप उससे डरेंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप उसमें डूबते जाएंगे तो न सिर्फ विज्ञान को समझने में आसानी होगी बल्कि दुनिया को लेकर के हमारी जो समझ है वो और बेहतर और सरल होती जाएगी। थैंक यू सो मच मैम आपका हमारे छात्रों के साथ आज जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए। आज हमारे साथ जुड़ी थी डॉक्टर मुनीरा बानो जो कि RIE भोपाल में एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर रही हैं और उन्होंने लॉज ऑफ मोशन को पढ़ाया। आज 11वीं के छात्रों को फिजिक्स का सब्जेक्ट था और इसी के साथ ही आज का ये सत्र यहीं संपन्न होता है और अनुमति चाहूँगा मैं आपसे, लेकिन चलते चलते आपको बता दूँ कि अगला जो सत्र होगा वो भी 11th के स्टूडेंट्स के लिए ही होगा और विषय होगा बायोलॉजी का, जिसमें हम बात करेंगे वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इस विषय को, इस सब्जेक्ट को अगर आपको समझना है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलते चलते एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दें कि दोस्तों अगर अब तक आपने NCERT की पाठ्य पुस्तकों को नहीं ख़रीदा है तो आपके पास कई सारे विकल्प उपलब्ध हैं, जिसमें सेल्स काउंटर का ऑप्शन है जो देश के अलग अलग भागों में है, दिल्ली, अहमदाबाद और बेंगलुरु, कोलकाता, गुवाहाटी। इन जगहों से आप हर दिन सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे के बीच में ख़रीद सकते हैं, चाहे वो गेजेटेड हॉलीडेज़ हों या सैटरडे संडेज़ हों। और ये काउंटर कहाँ पर है, इनका एड्रेस आप ncert.nic.in से ले सकते हैं। इसके अलावा NCERT, दीक्षा और ई पाठशाला जो वेबसाइट्स और ऐप्स हैं हमारी, उनके माध्यम से भी आप सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं, वो आपके लिए पुस्तकों का काम करेंगी। साथ ही साथ आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं ncertbooks.ncert.gov.in पर, जो कि फ्री डिलीवरी जहाँ से आपको घर पर पुस्तकें पहुंचा दी जाएंगी। तो इसके साथ ही, इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ ही अब दीजिए अनुमति इस सत्र को यहीं संपन्न करने की। नमस्कार।